नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नहीं निभाया वादा, अमिताभ को आज भी अफसोस। हिंदी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन का राजनीतिक करियर भले ही बहुत कम वक्त का रहा हो, लेकिन उनका कहना है कि वह आज भी उस समय के बारे में सोचते हैं। उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद के लोगों से किए गए वादे पूरे न कर पाने का अफसोस है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समर्थन से अमिताभ ने 1984 में राजनीति में कदम रखा था। अमिताभ ने इलाहाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। बहरहाल, उनका राजनीतिक करियर काफी कम समय का रहा, क्योंकि उन्होंने 3 साल बाद ही सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि यदि मैं किसी चीज पर अफसोस करता हूं तो वह सिर्फ यही है कि मैंने इलाहाबाद और वहां के लोगों से काफी वादे किए थे, लेकिन मैं उन्हें पूरा न कर सका। सार्वजनिक नहीं की जा सकेगी आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी। आम लोगों के आधार कार्ड की जानकारी रखने वाले एजेंसियों को इस जानकारी को सार्वजनिक करने या प्रकाशित करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही इन एजेंसियों की 12 अंक वाले आधार अंक की गोपनीयता और सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आम लोगों के आधार कार्ड से जुड़ी सूचनाओं के दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। हाल ही में अधिसूचित नियमों के तहत उक्त एजेंसियों को अब कार्ड धारक को यह बताना होगा कि जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जानकारी का दुरुपयोग न हो। शिवपाल सिंह यादव ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। मुलायम सिंह यादव परिवार में मतभेद थमने का नाम नहीं ले रहा। उनके भाई शिवपाल सिंह यादव ने गुरुवार रात सपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कैबिनेट के मंत्री पद से भी इस्तीफा सौंप दिया है। खबर है कि मुलायम सिंह यादव ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और अखिलेश ने भी इस्तीफा वापस लौटा दिया है। देर रात शिवपाल के घर पर 20 विधायक पहुंच चुके थे। आगामी विधानसभा चुनाव पर इस घटनाक्रम का असर पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल की पत्नी सरला ने भी इटावा के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके बेटे आदित्य ने प्रादेशिक सहकारी फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।